दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी राजन साहू ने चाय पोहा बांटकर वोट देने की अपील की, साथ ही शत प्रतिशत मतदान को लेकर शहर की जनता के बीच पहुंचकर समर्थन मांगा। आगामी दिनों में 7 मई को दुर्ग लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजन साहू ने शनिवार सुबह गंजपारा के प्रसिद्ध होटल गोकुल चाय पोहा की दुकान पहुंचकर अपना प्रचार किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी राजन साहू ने चाय पोहा बांटकर प्रचार प्रसार कर लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान वहां मौजूद रही शहर की आम जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी को अपने बीच पाकर काफी उत्साह दिखाया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी राजन साहू ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बेरोजगारी, युवाओं का शोषण और संविधान पर खतरा मंडराने की बात कही और कांग्रेस को चुनने और कांग्रेस की सरकार बनाने शहर की जनता से आशीर्वाद मांगा और अपील की। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।